स्वागत है आपका एक बार फिर से एम एड एंट्रेंस एग्जाम्स के हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे और साथ ही साथ हम प्रैक्टिस करते चलेंगे ताकि आपका एम एड के एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाए तो आइए दोस्तों स्वागत करते हैं इस वीडियो में और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे रिलेटेड होगा ए से, हो से जिसमें सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ए को स्थापित करने का सुझाव किस शिक्षा नीति में दिए गए थे सवाल एक बार फिर से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ए आई सी टी ई के स्थापित करने के लिए सुझाव किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिए गए थे आपके विकल्प हैं संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1886 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1999। आपके पास 10 सेकंड का सवाल है तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति नाइन्टीन में इसे लागू करने का सुझाव दिया गया था अगला सवाल सर्व शिक्षा अभियान का कार्यकाल किस वर्ष से किया जा रहा है डैश डैश से किस वर्ष से रखा जा रहा है सर्व शिक्षा अभियान ये बहुत ही साधारण सवाल है कई बार पूछे जाने वाला सवाल है 1998, 1999, 2003, 2004, 2000, नाइन या फिर दो हजार दो हज़ार दोस्तों ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू किया गया था ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है तो यह दोस्तों आपके और हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में सत्र दो हज़ार और सत्र दो हज़ार एक में शुरू किया गया था चलिए अगला सवाल देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य क्या थे सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य क्या थे 6 से चौदह वर्ष तक के आयु के वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को वापस स्कूल चलो शिविर अध्ययन में शामिल करना सभी बच्चों द्वारा वर्ष 2010 तक आठ वर्षों को प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पूरा करना या उपरोक्त में से सभी तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से सभी चलिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा दो हजार किसके द्वारा तैयार की गई थी एन 2005 एफ दो एन सी किसके द्वारा तैयार किया गया था एन के द्वारा सी के द्वारा एनसी के द्वारा या यू के द्वारा ये बहुत ही अच्छा सवाल बहुत ही कॉमन सवाल कई बार पूछे जाने वाला सवाल है कि एन 2005 किसके द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा एन 2005 एफ हजार के द्वारा तय किया गया था तैयार किया गया था अगला सवाल भारतीय विद्याल विद्यालयों के साथ साथ शिक्षक शिक्षा को पुनर्धार के लिए संपूर्ण दस्तावेज है कि कौन सा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 या कार्य योजना नाइनटीन नाइन टू राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा दो ए और बी दोनों तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों राष्ट्र भारतीय विद्यालयों के साथ साथ शिक्षक शिक्षा के पुनर्धार के लिए संपूर्ण दस्तावेज कहाँ मौजूद है इसको क्या कहते हैं तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एन सी एफ दो हज़ार पाँच इसका सही जवाब क्या हो जाएगा एन सी बिल्कुल सही चलिए भारत के प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय परामर्शदात्री समिति है जीवी के मूर्ति समिति राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं एक बार फिर से सवाल भारत के प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय परामर्शदात्री समिति है जीवी के मूर्ति समिति राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दोड़ा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग बिल्कुल सही जवाब अगला सवाल भारत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी यह बहुत ही अच्छा सवाल बहुत ही कॉमन सवाल कई बार पूछे जाने वाला सवाल है दोस्तों कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी दो हजार सात में दो हजार आठ में दो हजार सत्रह में या दो हजार नौ में तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दो में चलिए अगला सवाल राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथवा आरएमएसए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत की गई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं विज्ञान गणित तो व अंग्रेजी शिक्षा पर ध्यान जी बिल्कुल है ये सही जवाब है शिक्षकों की सेवाकाली प्रशिक्षण ये भी है शिक्षा अधिगम सुधार यह भी है यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा यह सभी बहुत अच्छा अगला सवाल भारतीय ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया था कब किया था 2009 में तो हुआ था एजुकेशन टू एक्ट एजुकेशन टूट दो 2009 में क्या किया था पारित किया गया था लेकिन कब पारित किया गया था यह बड़ा ही अच्छा सवाल आपसे कई बार पूछा गया है दोस्तों भारतीय संसद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब पारित हुआ था क्या यह एक जनवरी 2009 को पारित हुआ था नहीं हुआ था गलत जवाब क्या यह 26 अगस्त 2009 को हुआ था क्या यह 12 सितंबर 2009 को हुआ था या 19 नवंबर 2009 को हुआ था यह पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों तो यह छब्बीस अगस्त दो हजार नौ को हुआ था चलिए बहुत अच्छा अगला सवाल देखते हैं संविधान के किस संविधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है मौलिक अधिकार का दर्जा कब दिया गया है और कौन से संशोधन के द्वारा दिया गया है क्या ए छियासी संशोधन नाइन्टी टू एटी टू या इनमें से कोई नहीं तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका आपका सही जो है संशोधन यानी कि एटी सिक्सथ अमेंडमेंट के तहत इसको क्या दिया गया मौलिक अधिकार दिया गया कि शिक्षा प्राप्त करने एक बच्चे का क्या है भाई मौलिक अधिकार है अगला सवाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम दो हज़ार नौ का उद्देश्य है क्या है सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क शिक्षा शिक्षा भागीदारी बढ़ावा उपरोक्त सभी आपका सही जवाब हो जाएगा चलिए बहुत अच्छा अगला सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब मंजूरी दी गई ये बहुत ही अच्छा सवाल है रिसेंटली पूछा गया सवाल है ठीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब मंजूरी दी थी तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों दस जनवरी होगा अठारह फरवरी होगा उनतीस जुलाई दो होगा या बीस जुलाई दो होगा तो बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फटाक से बताइए कौन बताएगा बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उनतीस जुलाई दो हजार बीस उनतीस जुलाई दो हजार बीस को दी गई थी चलिए अगला सवाल राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो 2020 के में किस शिक्षा संरचना को स्वीकार किया गया बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा सवाल बहुत ही अच्छा एट फोर थ्री पहले चलता था टेन टू थ्री फोर भी पहले अभी रिसेंटली हमारे समय में चलता था दस दो तो हमने इसमें पढ़ा है हमारी कौन से राष्ट्रीय 2020 में कौन सी है बच्चे 2020 में कौन सी नीति आई है फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर बहुत ही अच्छा बच्चों सही हो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कर लीजिए पूछा जा सकता है आपसे अगला सवाल देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा का महा अधिकार पत्र किसे कहा गया है महा अधिकार पत्र किसे गया है गुज का घोषणा पत्र मेकाले का पत्र अठारह का आज्ञा पत्र अठारह का तैतीस पत्र तो भारतीय शिक्षा का महा अधिकार पत्र किसे कहा गया, गया? राष्ट्रीय शिक्षा का भारतीय शिक्षा का सॉरी भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा गया है वुड का घोषणा पत्र बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा वुड का घोषणा पत्र इसे क्या कहते हैं महाधिकार पत्र कहते हैं चलिए अगला सवाल देखते हैं वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलाधार है किसने कहा था के पी पांडे ने कहा था विवेकानंद जी का मेकालय ने कहा था एस एन मुखर्जी ने कहा था इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एस एन मुखर्जी ने कहा था बहुत अच्छा चलिए अगला सवाल केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की पुनर्स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई है मुदालियर आयोग हार्टोंग समिति माध्यमिक शिक्षा आयोग या इनमें से कोई नहीं तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हांगटोंग समिति के द्वारा किया गया था बहुत अच्छा अगला सवाल वर्तमान भारतीय शिक्षा का प्रमुख विशेषता है रोजगार परख मूल्य और भिन्मुखी शिक्षा परीक्षा भूमि शिक्षा ये बहुत ही आसान सा कॉमन सा सवाल था आप आसानी से कर सकते हैं बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा अभी जो रिसेंटली वर्तमान शिक्षा चल रही है उसका प्रमुख विशेषता क्या है हमारी शिक्षा किस पे ज़्यादा फोकस करती है तो आप यूँ कह सकते हैं कि हमारी जो शिक्षा है वो सबसे ज़्यादा किस पर फोकस करती है हमारी शिक्षा दोस्तों परीक्षा भी मुखी पकड़ती है हमारी शिक्षा किस पे करती है परीक्षा भी मुखी पकड़ती है ये हमारी शिक्षा की विशेषता है कि परीक्षा देना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है चलिए अगला सवाल भारत में प्राथमिक शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का लगभग कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है भारत में प्राथमिक शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का लगभग कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है दो टू पॉइंट थ्री फोर पॉइंट फाइव सिक्स या एट केवल प्राथमिक शिक्षा की बात की जा रही है तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा टू पॉइंट थ्री परसेंट ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके पढ़ते रहिएगा अगला सवाल उच्च शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय सेवा योजना कब शुरू की गई थी उच्च शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय सेवा योजना कब शुरू की गई थी नाइनटीन फिफ्टी फाइव नाइनटीन फिफ्टी नाइन उन्नीस सौ सत्तर उन्नीस सौ अठहत्तर में इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 1959, इसका सही जवाब हो जाएगा नाइनटीन फिफ्टी नाइन इसका सही जवाब हो जाएगा बहुत अच्छा अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल दोस्तों इसका लास्ट सवाल होगा इस वीडियो का लास्ट सवाल होगा एम विश्वविद्यालय की स्वात्ता का कौन सा क्षेत्र है छात्रों का प्रवेश करना जी हाँ बिल्कुल है परीक्षा कराना ये भी है अध्यापकों प्रोफेसर नियुक्ति करना ये भी है अर्थात ये क्या है ये सारे सवाल सारे हो जाएंगे ठीक है तो दोस्तों इसमें हमने तीन वीडियो में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट सवाल देख चुके हैं एमएड की आशा करते हैं आपके लिए सहायक होगा मिलेंगे अगले वीडियो में अन्य आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो कि आपके एम में पूछे जाते हैं डेली थोड़ा बहुत देखते रहिए आपके साथ बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा बहुत अच्छा हो जाएगा मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें समझ में आ रहा तो वीडियो को प्लीज़ चैनल से निकल जुड़े सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने अन्य दोस्तों तक शेयर करिएगा जय हिंद जय भारत साथियों